मित्रों, आपको मैं साइबेरियन पक्षियों से भरी झील के दर्शन करवाता हूँ, जो हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत में स्थित देवभूमि आसन बैराज उत्तराखंड में आते हैं। हर वर्ष ठंड के मौसम में यहाँ हजारों साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हमारे उत्तराखंड की शोभा बढ़ाते हैं। आपको ये भी सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन बैराज में अक्टूबर माह के अंत से विदेशी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 6 माह प्रवास पर रहने के बाद मार्च में अपने वतन लौट जाते हैं। इन दिनों आसन बैराज विदेशी पक्षियों से गुलजार है। इनकी सुरक्षा के लिए हमारे वन विभाग के कर्मचारी दिन रात लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि इन खूबसूरत पक्षियों का शिकार करने भी लोग यहाँ स्पेशल आते हैं, जिस कारण पूर्व में इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी। अपने वतन लौटने के दिनों में इनकी संख्या आधी रह जाती थी, जिससे पक्षी प्रेमी बड़े चिंतित होने लगे और सरकार से इनकी सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकार ने भी इनकी सुरक्षा हेतु ध्यान दिया। अब इनकी संख्या में हर वर्ष इजाफा हो रहा है। ये खूबसूरत झील शिवालिक की पहाड़ियों से लगती हुई बनी है, जिसकी वजह से शिकारी इनका शिकार आसानी से कर लेते थे, लेकिन अब वन विभाग का गश्ती दल 24 घंटे इनकी कड़ी सुरक्षा करते हैं। इन लाजवाब पक्षियों के लिए यहाँ का सर्द मौसम इनके अनुकूल होता है, इसी वजह से इनकी ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इनको देखने के लिए देशी विदेशी सैलानी यहाँ हर वर्ष आते हैं, इनकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। इस झील में मछली मारने की भी मनाही है, क्योंकि इन पक्षियों का मुख्य भोजन मछली ही है। इनको पर्याप्त मात्रा में मछलियों के रूप में भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। ये बार बार गहरे पानी में डुबकी लगाकर मछली पकड़ते हैं। इस झील के बारे में ये भी बताया गया है कि यहाँ मछलियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, जिस कारण से ये पक्षी यहाँ आने के लिए व्याकुल रहते हैं। साइबेरियन पक्षी के बारे में जानकारी ये भी है कि कई दिनों तक बिना खाए लगातार अपनी यात्रा करते हैं। इनके शरीर में अलग प्रकार के तत्व विकसित होते हैं, इसी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनका शिकार किया जाता है। इनके मांस को चोरी छिपे बाजारों में बड़े ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। जब मैंने यहाँ स्थानीय युवकों से इनके शिकार की चर्चा की, तो वो कहते हैं कि पहले शिकारी इनका शिकार बड़े आराम से कर लेते थे। इनका दाम बाजार में पर किलो 5-6 हज़ार रुपये होता है। प्रायः ये देखा गया है कि साइबेरियन पक्षी पानी पर ही ऊपर तैरते हुए सोते हैं, जिसका मैंने फिल्मांकन भी किया है। ये पक्षी बहुत कम जमीन पर दिखाई देते हैं। जितने खूबसूरत ये देखने में लगते हैं, उतने ही इनके पैर बहुत ही बदसूरत होते हैं। हर वक्त पानी में रहने के कारण इनके पैरों का आकार व रंग अजीबोगरीब हो जाता है। इस झील में सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: वुली, नेक्टेड, पेंटेड, स्टार्क, रूडी, सेडलक, ब्लैक आईबीज, प्लास फिश, ईगल, ग्रेट कस्टर्ड ग्रैब, ग्रे लेज, बुज, गैडवाल, इरोसियन विजन, मेलार्ड, स्पॉट बिल डक, लिटिल ईग्रेट इत्यादि। ये साइबेरियन पक्षी फिलीपींस, चीन, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों से यहाँ पहुँचते हैं। इस झील में इन पक्षियों को देखने के लिए पैडल बोटिंग, रोइंग, मोटर बोटिंग, कैनोइंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो साहसिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील से आप हिमालय की खूबसूरत वादियों के दर्शन भी कर सकते हो। जो सैलानी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, उनके लिए जगह बेहद मुफीद लगती है। इन साइबेरियन पक्षियों को देखने यहाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि से काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी आते हैं, जिनको प्रकृति के संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर रात्रि में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, दिन में ही आप यहाँ का आनंद ले सकते हो। यहाँ बगल में यमुना नदी बहती है, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करती है। सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें कई प्रकार के जंगली जीव विचरण करते हैं। ये जगह उत्तराखंड में सबसे दर्शनीय स्थल के रूप में जानी जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए हिमाचल की सीमा से भी आप आ सकते हैं। परिवहन की व्यवस्था बहुत ही सुगम है। इस झील के बगल से ही नेशनल हाईवे गुजरता है, जो पौंटा, नान, चंडीगढ़, अम्बाला, शिमला, कुल्लू, मनाली जगह जाने पर सबसे उपयुक्त मार्ग है। इन जगहों पर जाने वाले अधिकतर सैलानी इस झील पर जरूर रुकते हैं। धन्यवाद।